डियर स्टूडेंट, आई एम पंकज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पास सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये जो टॉपिक है, ये पेपर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट वाली जो फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी का सेकंड यूनिट है। तो आज हम इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में, इनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो अपन डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स, जो फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आज अपन इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज का होना, या ब्लड द्वारा इन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान का होना, ये रेस्पिरेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वायुमंडल से शुद्ध वायु का, वायुमंडल से जो शुद्ध वायु है उसका लंग्स तक जाना तथा अशुद्ध वायु का लंग्स से बाहर निकालने की क्रिया, ये रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन टू टाइप से होता है। पहला फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ये जिसमें ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसमें ऑक्सीजन, ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा फूड का जो ऑक्सीडेशन है इनकम्प्लीट होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। तो ये रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब हम स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप है, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, इनमें जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के भीतर एग्जांपल है आपका अमीबा, यूगलिना, अमीबा, यूगलिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, सिंगल सेल्स वाले होते हैं, ए सिमेट्रिकल से होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, जोआ का मतलब एनिमल। तो इसका एग्जांपल अमीबा, यूगलिना में जो रेस्पिरेशन है, कोई इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस। तो सेकंड है आपका प्लेटी हेलमिंटीज। इनमें जो ये कैसे होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं और ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं। इनका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंटीज के भीतर टीनिया सोनिया, टीनिया सोलियम और फेसोला हिबेटा। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं, अंतःपरजीवी। तो और ये इनमें जो अनाक्षीकृत, इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, ये अनाक्षीकृत है, एना एरोबिक रेस्पिरेशन। बॉडी सरफेस के द्वारा, किसके द्वारा? बॉडी सरफेस और नो नीड्स गैस एक्सचेंज। इनमें जो गैस है की एक्सचेंज होने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, इसका जो थर्ड है वो है एनेलिडा,
एनिलिडा का मतलब होता है एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसका जो एग्जांपल है नेरीज। सेकंड है आपका यूडिनेरिया। इसको सामान्यतः लीच भी कहते हैं। तो इनमें नेरी और यूडिनेरिया में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, इसके द्वारा जनरल बॉडी सरफेस एंड पैरापोडिया के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है नेरीज और में। तो इसका जो नेक्स्ट है वो है आपका ऑर्थ्रोपोडा। ये का विशेष कैरेक्टर होता है जॉइंटेड अपेंडिक्स संयुक्त काम पाए जाते हैं। एग्जांपल है इसकी जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है इंसेक्टा और दूसरी क्लास है क्रस्टेशिया। इंसेक्टा का मतलब होता है 3PLX और क्रस्टेशिया का मतलब होता है 5PLX। तो इंसेक्टा में जो एक इसमें एग्जांपल है, इसमें रेस्पिरेशन कैसा होता है एरियल और ये टेरिस्ट्रियल। एग्जांपल कॉकरोच। तो इनमें कैसा होता है एरियल और टेरिस्ट्रियल रेस्पिरेशन है। इसके द्वारा ट्रेकिया, किसके द्वारा होता है ट्रेकिया और स्पाइनल कल्स। इसका हमने जो नेक्स्ट है क्लास क्रस्टेशिया में एग्जांपल है इसका प्रॉन या पेलीमोन। ये कैसे होते हैं एक्वेटिक, और इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आपके जो क्लास है मोलस्का में जो इसकी जो क्लास है फर्स्ट है ये सॉफ्ट, इनका मोलस्का का विशेष कैरेक्टर होता है सॉफ्ट बॉडी। और इसका दो क्लास है, फर्स्ट क्लास है यू लेमेली ब्रिंकिया 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 और सेकेंड क्लास है गैस्ट्रोपोडा। ये कैसे होते हैं एक्वेटिक और तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स के द्वारा। सेकेंड क्लास है आपकी गैस्ट्रोपोडा, इसमें रेस्पिरेशन दोनों प्रकार से होता है एक्वेटिक और ये एरियल। तो इनमें एक्वेटिक और दूसरा एरियल। एक्वेटिक ये कैसा जलीय है वो गिल्स के द्वारा और जो एरियल है वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आपकी जो क्लास है वो है एकाइनोडर्मेटा। तो ये की जो एकाइनोडर्मेटा का विशेष कैरेक्टर होता है ये इनकी त्वचा पर एक प्रकार से कंटका या स्पिकुल्स का पाया जाना या टर्मल ब्रिंकिया का पाया जाना। और इसका जो एग्जांपल है स्टारफिश
या एस्टेरियास, एस्टेरियास तो इनमें कोई विशेष प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन से नहीं पाया जाता, तो इसकी एवरल सरफेस पर क्या पाई जाती है, डर्मल ग्रिंग की, डर्मल ग्रिंग किया या ट्यूब फिट के द्वारा। ट्यूब फिट के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स के जो आपके सिलेबस में है, इसमें जैसे सिलेबस में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये विशेष इंपोर्टेंट है। इनमें से कब आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं कि या तो ऐसे ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन, या गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन, या आपके मोलस्का में जो पायला में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से, या यूनियो में। और ये जो प्रोटोजोआ प्लेटिहेलमिंथिया और काइनोडर्मेटा, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप में ये जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। तो जैसे कि आपने प्रोटोजोआ में देखा जनरल बॉडी सरफेस से प्लेटिहेलमिंथी ये कैसे होते हैं, नाक्षीकृत होते हैं, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। तो ये बॉडी सरफेस या लो नीड्स गैस एक्सचेंज, इनमें गैसों की चेंज नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। एनिलिडा एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी मेटाबॉलिकली सेगमेंट पाए जाते हैं एनिलिडा। एग्जांपल ले लीजिए, और इसका दूसरा जो एग्जांपल है यूरिनेरिया और लीच। नेरिज में जो रेस्पिरेशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से या पैरापोडिया के द्वारा, नेरिज में भी लोगों को वो रेस्पिरेशन होता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ये कैसे होते हैं, जॉइंटेड अपेंडिक्स संयुक्त पंख होते हैं। और ये क्लास, इसके दो क्लास है, इंसेक्टा और क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में कॉकरोच है, ये एरियल और टेरेस्ट्रियल, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो ट्रेकिया, कौन सा, ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्लास क्रस्टेशिया के भीतर प्रोन या पेलीमोन, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो ये जलीय होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है मोलस्का, मोलस्का की दो क्लास है, यूलेमेली ब्रिंकिया और गैस्ट्रोपोडा। यूलेमेली ब्रिंकिया का एग्जांपल है यूरियो, इसका एग्जांपल कौन सा है, यूनियो। और यूनियो में जो रेस्पिरेशन है जलीय होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपकी क्लास गैस्ट्रोपोडा का, गैस्ट्रोपोडा का एग्जांपल है पायला, कौन सा, पायला। और पायला के भीतर जो रेस्पिरेशन है वो एक्वेटिक भी होता है और एरियल होता है, एक्वेटिक गिल्स के द्वारा जबकि एरियल लंग्स के द्वारा। तो इनमें दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन देखा जा सकता है। काइनोडर्मेटा का एग्जांपल है स्टार्टफिश या एस्टेरिया। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें जो रेस्पिरेशन है वो डर्मल ग्रिंग की जो डोर्सल सरफेस में पाई जाती है उसके द्वारा, या ट्यूब फिट के द्वारा ये रेस्पिरेशन होता है। तो ये डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसके बारे में आप था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।